हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम यामाहा पियानो लिया है, मार्केट से लाया है। अभी हम इसको खोल के देखते हैं, अंदर में खोल के देखेंगे। उसके बाद इसका जो फंक्शन है उसको मेरा एक जो हमें टीचर हायर किया है वो आपको सभी सब चीज बता देंगे। तो देखते हैं ये क्या अच्छा है कि नहीं, खराब है या उसको कुछ इसका साउंड सॉफ्ट से निकलता है कि नहीं, या इसका बटन जो सॉफ्ट है कि नहीं, उसको मेरे दोस्त बताएंगे। सर जितना फंक्शन है उसको मेरे दोस्त बताएंगे। तो तब तक के लिए बने रहे गाइस, आगे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक तो ये है एडाप्टर, इसको इस तरह उठाना है। अब मैं यहाँ पे रखता हूँ, ये देखिए, ये है पियानो PSR 573। यहाँ पे कवर से इसको है। तो इसके साथ में यहाँ मिला ये एक, ये है एडाप्टर आया है, ये एडाप्टर, ये एडाप्टर। उसके बाद और एक तो चीज आया हुआ यहाँ पे, ये है स्टैंड, ये जो भी ऑलरेडी स्टैंड होते बोलते हैं इसको। यहाँ पे हम यहाँ पे सेटिंग करके रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो लिरिक्स हो, सॉन्ग का जो लिरिक्स होगा या कुछ भी जो भी हो, म्यूजिक का म्यूजिक आप लोग प्रैक्टिस करना है, जो भी हो हम यहाँ पे रखे हम उसको। बस ये है स्टैंड और ये तो यहाँ पे रखेंगे। और इसको अभी किस तरह इसको ऑपरेट करेंगे इसको मेरा टीचर आज बताएंगे। यहाँ कनेक्ट करना है उसके, हाँ ये दफ्तर का अभी जो है प्लग में कनेक्ट करके ऑन करना है। उसके बाद ये बटन होगा, ये बटन है, ये ऑन का है और ऑफ का है, ठीक है। तो अभी इसको ऑन को दबाने के बाद यहाँ में सिग्नल आएगा, सिग्नल आने के बाद ही हम थोड़ा कुछ देर के बाद इसको प्ले करना शुरू करेगा। डायरेक्ट डाल के ऑन करके प्ले करने से कुछ समय के लिए नहीं आएगा, आवाज़ नहीं निकलेगा। इसलिए हम अभी साउंड क्वालिटी चेक करने के लिए हम ये सी कोड से शुरू करके देखते हैं। तो ये जो है जितना ये डायरेक्शन में, नीचे डायरेक्शन में इसको ले जाएगा उतना ही लाउड होगा। और ये इसको नॉर्मल करने के लिए और साउंड को कंट्रोल करने के लिए इसका मास्टर वॉल्यूम है। ये जो है साउंड अपना कंफर्टेबल में रेंज को रखना है। उसके बाद ये साइड में जो दिख रहे हैं ना, ये जो है वॉइस है, वॉइस से आप 1 2 3 जितना आगे ले जाएगा वॉइस को देखने के लिए आपको यहाँ 622 वॉइस है। तो उसके अंदर में क्या कौन सा साउंड को आप चाहिए उसको दबा सकते हैं। तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं 6 को, और ये अगर इसको चेंज करना पड़ेगा तो कहीं भी नंबर में भी दबा सकते हैं, या ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी आप ढूंढ सकते हैं। तो अभी हम 80 में डाल के देख रहे हैं। इस तरह से वॉइस का कंट्रोल किया जा सकता है ये वॉइस को। और उसके बाद आपको कुछ टेम्पो चाहिए बोलने से, टेम्पो मतलब जो टेम्पो है उसको कंट्रोल करने का, टेम्पो से एक बार दबाना पड़ता है। उसके बाद टेम्पो को भी आप डाउन कर सकते हैं या हाई कर सकते हैं। ये जो है टेम्पो है, टेम्पो अभी 180 में, हम 78 में डाल के देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक स्टार्ट और स्टॉप बोल के कुछ बटन दिखाई दे रहा है। तो जब स्टार्ट को दबाएगा तो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये और म्यूजिक चाहिए बोलने से, ये जो AV बोल के, ACMP बोल के है ना, इसको दबाना पड़ेगा। और
स्टेल है, स्टेल से भी आपका गाना का रिदम के हिसाब से आप मिला सकते हैं। स्टाइल में भी आपको अगर यहाँ से भी देख सकते हैं यहाँ पे स्टाइल है, स्टाइल में भी 206 फीचर्स का है, आइटम का है, तो उस हिसाब से मिलाना पड़ता है यहाँ। और उसके बाद सबको छोड़ के कुछ म्यूजिक मतलब रेडीमेड म्यूजिक चाहिए बोलने से, जो ट्रैक चाहिए बोलने से, ये डाटा बेस में दबाना पड़ेगा। उसको दबा के ये साइड से, ये बेस साइड से जब दबाएगा तब म्यूजिक स्टार्ट हो जाएगा। इसमें भी डाटाबेस दबाने के बाद 1, 2, 3 यहाँ में कम से कम डाटाबेस में 154 टू 170 म्यूजिक से तो मतलब रेडीमेड म्यूजिक को प्ले हो सकता है, तो उसको हम 2 को दबाने से उसका अलग होगा, 3 को दबाने से अलग होगा, ऐसे इस तरह से 170 म्यूजिक यहाँ पे रेडीमेड है। आप कौन सा गाना में भी कौन सा वाला गाना में भी है उसको आप डाल के मिला के गाना भी बजा सकते हैं। इसलिए हम अभी 13 नंबर को हम डाल के देखते हैं। और ये ज़्यादा फास्ट में जा रहे होने से ये टेम्पो में आना है, टेम्पो में आके डाउन करते जाना है। डाउन करने के बाद अगर गाना का रिदम में बीट में बराबर जा रहे होने से आप गाना प्ले कर सकते हैं। जैसे कि हम जस्ट एक अभी डेमो दिखाएगा, तो ये सब करने के बाद आप एंडिंग में अपना आपसे एंडिंग कराना चाहता है तो या में एक इंट्रो होगा एक एंडिंग होगा, इसको एक बार जब दबाएगा तब अपना आपसे वो म्यूजिक वो हो जाएगा। तो गाइस यही था आज का जो PSR यामाहा का 373 मॉडल नंबर को हम किस तरह इसको ऑपरेट करता है, तो हमारा ये टीचर ने आज हमें दिखाया। मुझे लगता है ये PSR 573 भी अच्छा एक पियानो कीबोर्ड है, तो अगर आप लोग चाहे तो ये आप लोग मार्केट से ले सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।